आज आंगनवाड़ी वर्करों ने लघु सचिवालय में मिलकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सरकार के द्वारा दिए जाने वाले श्रमिक के दर्जे को लागू करने की मांग को लेकर अन्य अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। हरियाणा सरकार ने 2018 में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्प यूनियन से एक समझौता किया था, जिसमें उन्होंने श्रमिक का दर्जा देने की बात कही माननी थी और आज तक वो लागू नहीं किया। सरकार ने कहा था कि हमें मेडिकल का लीव मिलेगी और कोई भी वर्कर हेल्पर को अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होता है उसको छुट्टी मिलेगी और बकायदा उसको कोई लमसम राशि भी दी जाएगी। आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर अगर सेवानिवृत्त हो रही है तो एक मुश्त उसे कुछ राशि देने की बात हुई थी और उसे पेंशन की भी बात हुई थी, तो जो आज तक नहीं मानी जा रही है। अब सरकार ने नई जो बातें हमारे बीच में ला रहे हैं कि प्ले वे स्कूल खोल लेंगे, प्ले वे स्कूल खोलने के लिए जब डायरेक्टर सर से मिले उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम तो गिनी चुनी आंगनवाड़ियों को जो एनटीटी या जेबीटी हैं उनको हम हाईजैक करेंगे। तो हम सरकार को ये कहना जा रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 30-30 साल से जो कार्यकर्ता है वो सब सक्षम है, उनको एक 15 दिन की या एक महीने की ट्रेनिंग दे के प्ले वे स्कूल में कन्वर्ट करें। हमें कोई वो नहीं है, कोई भी हमें उसके बारे में रोष नहीं है, पर रोष यही है कि हर वर्कर और हर हेल्पर को मोटिफाइड किया जाए। सरकार ने ये जो 2018 की माननी वो आज तक नहीं दी। प्रधानमंत्री जी ने 1500 रुपये वर्कर और 750 रुपये हेल्पर देने के लिए घोषणा की थी दिवाली से पहले, परंतु आज 2020 का अगस्त आ रहा है, आज तक भी वो राशि नहीं लगा। सब परेशान है, 8-8 महीने से 6-6 महीने से हमारी वर्कर हेल्पर को समय पे बिल्कुल तनख्वाह नहीं। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहें यस टीवी।